बायोमैथमेटिक्स का ये है, जिसका कोड KBT2012T है, 11th मैथमेटिक्स का है। तो ये सेक्शन ए है, और इसके बाद में सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। तो इसका मैं सलूशन आपको एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से समझिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसा पहला क्वेश्चन था कास स्क्वायर था, तो कास स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए कास 2a का फार्मूला पता होना चाहिए। तो इधर मैंने कास 2a का फार्मूला लिखा है, और वहाँ से कास स्क्वायर की वैल्यू निकाल के पुट अप करेंगे। ऐसे साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो कास 2a के चारों फार्मूले आप याद कर लीजिए, जब फार्मूले याद रहेंगे तभी आप सवाल लगा पाओगे। ऐसे साइन स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन आता है तो कास 2a का फार्मूला लगा के उसको कन्वर्ट करके पुट अप कर देंगे। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका ये सेक्शन सी पहले इसमें आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5वां जो है, ठीक है, सेक्शन सी पहले आ गया है पेज पे। और इसमें तीसरे का सेकंड वाले में इसमें नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा और इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा। इसके बाद में तीसरे का बी सबसे तगड़ा सवाल था, जो तीसरे का बी आपके सामने है ये, ठीक है। तो देखिएगा तीसरे का बी कैसे करते हैं। इसमें तीसरे के बी में इसका न्यूमरेटर ही चेंज करेंगे, न्यूमरेटर मतलब अंश चेंज करेंगे। एक्स प्लस थ्री को इक्वल टू लिखेंगे, ए लिखेंगे, डी बाई डी एक्स आप न्यूमरेटर लिखेंगे, प्लस बी लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आपकी वैल्यू मिल जाएगी। और फिर एक्स को अलग कर लेंगे, कांस्टेंट को अलग कर लेंगे, दोनों पक्षों में कंपेयर करा के ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी की वैल्यू उठा के हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। अब आपका न्यूमरेटर बदल गया, न्यूमरेटर को उठा के पुट कर देंगे और सेपरेट कर देंगे, आई वन आई टू मान लेंगे। आई वन को अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को टी मानेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। फिर टी की पावर -1/2 इंटीग्रेट कर देंगे, आपका आई वन हो गया। आई टू के लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर के पद पे चलना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का जुगाड़ मैं बता रहा हूँ, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट 4 है, तो 4 का आधा 2 होगा, 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर घटा देंगे, तो आपका मिलेगा ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5/4, ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंटीग्रेशन साइन इनवर्स हो गया, और दोनों को फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में उठा के दोनों को ऐड करके लिख देंगे। इसके बाद में तीसरे का सी क्वेश्चन जो था, वेक्टर ए बी सी दिया गया था और ये इसके परपेंडिकुलर था। तो बच्चों दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, तो जीरो हो जाएगा। तो ए प्लस म्यू बी निकाल लेंगे, आई आई को इकट्ठा कर लेंगे, जे जे को इकट्ठा करेंगे, के को इकट्ठा करेंगे, आई कामन कर लेंगे, जे कामन कर लेंगे, के कामन कर लेंगे, ठीक है। अब उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, म्यू की वैल्यू 8 आ जाएगी। आप लोग सॉल्व करिएगा, आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे वन हो जाएगा, के डॉट के, इसमें के इसमें जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों आपका सेक्शन ए अब आता है। सेक्शन ए मैंने बताया, सेक्शन ए बहुत आसान है, रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते हैं, यू इंटू वी नहीं लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट आपको फिर से अलग से पढ़ाया जाएगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। इसमें अंडर रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो इसके बाद में बी आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1/ इतना आ जाएगा ये, और डी एक्स अपॉन इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी पुट करेंगे, और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी, कॉस टी, टी की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। और पहले के सी में यूनिट वेक्टर निकालना था, पहले ए और बी वेक्टर को सम करना था फिर यूनिट वेक्टर निकालना था। तो ए बी को जोड़ देंगे, आई आई कॉमन कर लेंगे, यूनिट वेक्टर का आंसर वेक्टर ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये सॉल्व हो गया। इसके बाद में सेक्शन बी आता है, दूसरे का ए, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसमें e के पावर 2x, x को t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, e के पावर x को कॉमन करेंगे, न्यूमरेटर मिल गया ऊपर, cos 2 आया, cos 2 को ऊपर लेकर चले जाएंगे, sec 2 बन गया, sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस tan x, x t के बगल में 2 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद में दूसरे का b सवाल है, ये थोड़ा डेंजरस टाइप का सवाल है बच्चों। cos 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 cos a sin b का ये सारे फार्मूले याद कर लीजिए, इंटीग्रेशन में आपको हिट करना पड़ेगा। तो इसमें 2 cos a cos b का फार्मूला, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ऐड सीधे ऐड जोड़ दो इसको भैया, तो 2x प्लस 3x 5x आ जाएगा, 2x में से 3x को घटाओ कितना आ जाएगा, माइनस x आएगा। तो cos के अंदर ऐसा बॉक्स है कि माइनस डालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए प्लस हो जाएगा। फिर
कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस स्क्वायर है, फिर टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, देखिएगा इसमें टू मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो टू मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे टू डिवाइड कर देंगे, फिर इसमें टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला लगाएंगे, कितना आ जाएगा एक्स प्लस फाइव एक्स, कितना आ जाएगा सिक्स एक्स, एक्स में से फाइव बटाएंगे फोर एक्स आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे कॉस टू एक्स प्लस वन, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके बाद में दूसरे का सी डायरेक्शन कोसाइन निकालना था, तो पॉइंट ए बी ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे, फिर मॉडुलस बी का अंडर रूट निकाल लेंगे, अंडर रूट 36 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन जो एक कॉफिशियंट है माइनस टू आई, आई का कॉफिशियंट माइनस टू आई है, इसमें डिवाइड कर देंगे 6 से, ये डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। दूसरे के डी में बच्चों पोजिशन वैक्टर दिया है, ठीक है, सवाल में पोजिशन वैक्टर दिया है ना कि वर्डिसेस दिया है, तो जब पोजिशन वैक्टर दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे ए बी सी का मॉडुलस निकाल लेंगे, और इसको प्रूफ करना है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है राइट ट्रायंगल बना रहे हैं, तो मॉडुलस में सबसे बड़ा साइड क्या है इसमें 41 है, 6 है, तो दो छोटी साइड का योगफल सबको मॉडुलस का स्क्वायर कर लेंगे, दो छोटे साइड का योगफल 41 के बराबर आ जाएगा, तो ये राइट ट्रायंगल बन जाएगा और एंगल ए 90 डिग्री बनाएगा। तो बच्चों इसमें बहुत लोग गलती कर सकते हैं, वेक्टर ए ए बी सी वर्टिसेस नहीं दिया है, ये पोजीशन वेक्टर दिया है ए बी सी, सीधे मॉडुलस निकालना है, अगर वर्टिसेस दिया होता तो आप पोजीशन वेक्टर निकालते। तो इस तरीके से बच्चों मैंने इस पेपर का एक्सप्लेनेशन कर दिया है, सेक्शन का अरेंजमेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इसके लिए आप देख लीजिएगा कौन सा मतलब है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, ये आपका एलिमेंट्री बायोटेक का ये पेपर है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सजेशन दीजिएगा कोई चीज़ होगा, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।